नमस्कार दोस्तों, आपको बता दें कि बनारस के सबसे लंबे और ऊंचे रेलवे ओवरब्रिज यानी कि कजकपुरा आरओबी के निर्माण कार्य ने रफ्तार पकड़ ली है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसके एक छोर यानी कि कजकपुरा साइड से चलते हुए इसके दूसरे छोर यानी कि जो लाट सरैया जो मार्केट है उससे होते हुए पुराना पुल की तरफ जो निर्माण कार्य हो रहा है वो पूरा चलकर आपको कुल मतलब कि 1.5 किलोमीटर का जो हिस्सा है पूरा आपको कवर करके हम दिखाएंगे कि कितना काम हो गया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस वक्त हम लोग ये कजकपुरा साइड के जो रेलवे क्रॉसिंग है इसके इधर साइड जो निर्माण कार्य चल रहा है उसको हम आपको पूरा कवर कर रहे हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर पहले आपको पता ही होगा कि इधर जो पिलर और रैंप पूरा ढाल के काफ़ी समय से ये हो चुका था काम, लेकिन अब उसके और इधर देखिए ये पूरा ये अभी हाल फिलहाल में ये देखिए खुदाई की गई है और इसका काम चल रहा है। तो इसका जो ये जो पूरा ओवरब्रिज का जो स्लोप स्टार्ट होना है तो उसका पूरा काम देखिए इधर से अब ये काम भी आपको ये स्टार्ट हो गया है। तो ये देखिए ये इधर का अभी का ये लेटेस्ट अपडेट है। और इससे पहले का जो अपडेट है आपको पता ही था कि जो पिलर हैं रेलवे क्रॉसिंग तक वो उसका काम हो चुका था और उसके जो रैंप की ढलाई थी वो भी हो चुकी थी। ये देखिए ये यहीं से और जो स्लोप नीचे जाएगा वो उधर उसका वो काम हो रहा है। और इधर देखिए अभी ये जो सर्विस रोड है इधर दोनों साइड से ये भी बना दिया गया है। पहले उधर साइड वाला जो रोड था काफ़ी ख़राब था, लेकिन अब उसको देखिए बना दिया गया है तो थोड़ा राहत है, क्योंकि प्रोजेक्ट तो बनने में अभी काफ़ी टाइम है। तो तब तक टेम्प्रेरी जो रोड है सर्विस रोड उसी का लोग उपयोग कर रहे हैं। ये देखिए ये वाला जो पिलर है ये क्रॉसिंग के पास है और इसके बाद वाला जो पिलर है, दो पिलर इस साइड और दो पिलर उस साइड बनकर जो रेलवे क्रॉसिंग है उसको पार किया जाएगा। और ये वाला जो रास्ता है आपको राजघाट पुल की तरफ लेकर चला जाएगा और वहीं से आप नमो घाट भी जा सकते हैं। तो अभी के लिए जो रेलवे फाटक तो बंद है आप लोगों को पता ही है, और इसके बगल वाला यानी जो बाएं साइड रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पर अब सारा ट्रैफिक डाइवर्ट हो गया है। ये देखिए अभी एक ट्रेन जा रही है, अभी भी लोग जो हैं पैदल यात्री इस क्रॉसिंग का उपयोग करते हैं, तो जिस वजह से क्रॉसिंग अभी भी खुलता और बंद होता है। चलिए अब आपको उस पार ले चलते हैं और वहाँ पे ज़मीन के अंदर देखिए मशीन लगाकर जो लंबी वाली है कुछ खुदाई हो रही है, शायद उधर सीवर ओवर का काम चल रहा है। तो आपको दोस्तों बता दें कि ये जो परियोजना है इसमें काफ़ी मतलब दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा है। तो जो बिजली के तार थे खंभे थे उनको शिफ्ट करने में परेशानी, जो सीवर लाइन थी, जल की जो व्यवस्था थी, तो इन सब में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और बहुत सारे धार्मिक स्थल भी थे इनको शिफ्ट करने में भी काफ़ी मतलब परेशानी थी, लेकिन अब काफ़ी हद तक इन सभी समस्याओं से मतलब निजात पा लिया गया है और इस परियोजना ने अब अपनी रफ्तार पकड़ ली है। और ये देखिए यहाँ पर एक हॉस्पिटल है, और पिछली बार मैंने जब वीडियो बनाया था तो यहाँ पर कुछ काम चल रहा था। ये देखिए आपको ये दिख रहा होगा ये सीवर का ये कुछ बना है और आगे भी सीवर के लिए ही शायद पाइप लगाया गया है। ये देखिए यहाँ पर ये पाइप लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी काम चल रहा था पिछले वीडियो की में मैंने दिखाया था। अब इसके इधर आप आगे चलते हैं, ये पूरा मैं आपको कवर करके दिखाऊंगा आगे। आपको दिख ही रहा होगा कि ये रास्ता इधर का साइड काफ़ी मतलब ख़राब है और इधर भी आपको बीच बीच में काम होता हुआ दिख रहा होगा। ये देखिए, तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में काफ़ी समस्याएं आईं, लेकिन अब इसने देखिए अपनी रफ्तार पकड़ ली है। ये देखिए अब यहाँ पे ये देखिए ये वाला मशीन जो है ये देखिए ढो के लाया गया है और इसी से
नीचे पूरा गड्ढा करके सीवर का कुछ होता है काम। और यहीं पर दोस्तों बगल में एक मस्जिद भी है, तो उसकी भी समस्या थी। आगे में देखिए यहाँ पर ये जेसीबी की मदद से यहाँ पर कुछ खुदाई का कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है, ये देखिए। और इसके जस्ट आगे आपको एक रेलवे अंडर पास मिलेगा, वो वाला जो उत्तर रेलवे है उसका अंडर पास है। और यहीं पर जो रेलवे ओवरब्रिज का है ऊंचाई को इंक्रीज किया गया है। पहले इसकी ऊंचाई जो थी 8 मीटर थी, लेकिन इसकी ऊंचाई अब 16 मीटर कर दी गई है। 16 मीटर ऊपर से आरओबी गुजरेगा। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट की जो पहले लागत थी 62 करोड़ रुपये थी, लेकिन बाद में इसकी जो लागत बढ़कर 142 करोड़ रुपये हो गई, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी मतलब बहुत सारे काम हुए। बिजली विभाग को कुछ पैसा दिया गया, जल विभाग को, तो इस तरह से इसकी कॉस्ट थोड़ी इंक्रीज हो गई। अब देखिए मैं इधर आपको दिखा रहा हूँ, ये इधर का देखिए दोनों साइड से अतिक्रमण हटा दिया गया है। और यहाँ पर देखिए आपको सेतु निगम लिमिटेड का ये कार्यालय टाइप का है। और ये मैं अभी सरैया लाट मार्केट के पास हूँ, और यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा काम चलता हुआ। और इसके जो कुछ दोस्तों जो निर्माण है उसकी अवधि बहुत बार इंक्रीज हुई है। अभी जो फाइनल डेडलाइन है वो मार्च 2024 रखी गई है, और उसी के हिसाब से काम में देखिए तेज़ी आई है। आप ये देख रहे होंगे इधर साइड भी, आगे देखिए वो उधर पिलर और रैंप की ढलाई हो चुकी है। आपको उधर भी मैं आगे चल कर दिखाता हूँ पूरा। ये देखिए, और इधर देखिए प्रतिबंधित क्षेत्र है, उधर जाना थोड़ा ख़तरनाक है, तो मैं थोड़ा इधर से भी चलता हूँ, क्योंकि देखिए इधर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये ऊपर पिलर ऊपर जो है रैंप की ढलाई हो रही है, शायद स्टार्टिंग में आपको जो था वो पिलर नंबर 5 था, फिर 4, 3, 2 और 1, तो ये इधर के पिलर के अभी की निर्माण के जो है वर्तमान परिस्थिति है। और यहाँ पर देखिए ये स्लोप धीरे धीरे उतर रहा है, और यहाँ पर देखिए ये काम चल रहा है काफ़ी तेज़ गति से। और आगे देखिए वो मशीन की सहायता से ढलाई का काम अभी चल रहा है। तो इसके थोड़ी दूर आगे पर ये पुल जो है आरओबी जो है समाप्त हो जाएगा, और आगे ही आपको वल्लभ नदी पर पुराना पुल है, पुराना पुल के नाम से जाना जाता है वो है। तो दोस्तों आपको मैंने पूरा अपडेट दिया, आपको क्या लगता है कि निर्माण में कुछ तेज़ी आई है कि नहीं आई है, आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मैं इसी तरह की वीडियोज आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।